ऐसी माता जी अगर हम दो हैं नहीं दो नहीं मालूम पड़ता है अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आधे शंकर जी थे और पार्वती जी आधे थे हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया हम दोनों में भिन्नता रह गई है नहीं भिन्नता नहीं हृदय में भिन्नता रह गई है न वाणी में भिन्नता रह गई है न मन में भिन्नता रह गई है न कहीं भिन्नता रह गई है गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया माता जी को प्रणाम करना गुरु जी को प्रणाम करना है गुरु जी को प्रणाम करना गायत्री माता को प्रणाम करना एक सिद्धि आपको हम बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क में लाना है बात करनी है कुछ हमसे कहना है उनसे करना है तो एक काम करना दस सांस लेना लंबी लंबी और दस सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना पेट खाली करने से क्या हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो जो खाली जो कुछ था हमने निकाल दिया सिर पर दस बार हाथ कराना ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए ये रविवार का दिन करा तो आप ज्यादा अच्छा रविवार दिन मुझे सोचा करा रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं बस ये मान लेना ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में खासतौर से करेंगे आपको एक्सीडेंट हो जाए भगवान न करे साइकिल से तो हम आपको सफाखाने पहुँचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं हम खाना फेंक देंगे चाय फेंक देंगे और ससुर से पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुँचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे ये हमारा काम है हम आपकी सेवा करना आपकी सहायता करना आपको ऊंचा उठाना आपको आगे उड़ाना ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे जब से हमने संभाला है हो उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे आपके लिए ये एक बात नहीं ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है आपको गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ सारी जिंदगी में